नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम आयुर्वेदा। यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस औषधि का प्रयोग करके आप एक नहीं अनेक बीमारियों को आराम से दूर कर सकते हैं। ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं अनंतमूल। इसे अनंतमूल या सारिवा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, और ये कृष्ण सारिवा है। इसका प्रयोग अपच की समस्या से राहत पाने के लिए, गले की समस्याओं में, पथरी की समस्या, भूख बढ़ाने और यकृत की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, अनंतमूल का इस्तेमाल बुखार, रक्तदोष, उपदंश, कुष्ठ, गठिया, सर्पदंत, बिच्छू का दंश, खुजली, बुखार और डायबिटीज जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, ये अनंतमूल आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो ये जंगलों में आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। बरसात के सीजन से लेकर के गर्मियों तक ये आराम से फलती फूलती है और ये सब जगह आराम से आपको मिलती है। तो इसकी दो प्रजातियाँ होती हैं, एक कृष्ण सारिवा, एक श्वेत सारिवा। और कृष्ण सारिवा की मैं आज आपको परिचय कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये कृष्ण सारिवा आपके लीवर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपको लीवर की कोई समस्या है तो 100 ग्राम कृष्ण सारिवा की जड़, 100 ग्राम भूमि आमला, 100 ग्राम पुनर्नवा, 100 ग्राम मकोए का पंचांग, इन औषधियों को लेकर के अच्छे से आप कूट पीस करके चूर्ण बनाइए और उस चूर्ण को आप खाना खाने के बाद एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम सेवन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपके लीवर से संबंधित सभी समस्याओं को तुरंत राहत प्रदान करता है और लीवर में जो दर्द है, लीवर में जो सूजन है, उसको ये ठीक करता है। इतना ही नहीं, अनंत मूल में मौजूद फाइटोकेमिकल घटक गैस के निर्माण को कम करते हैं और जो गैस के कारण जो पेट में सूजन आती है और जो कब्ज बनती है उसको ठीक करता है। तो कब्ज और सूजन को ठीक करने के लिए आप 100 ग्राम अनंतमूल की जड़, 100 ग्राम पुनर्नवा, 100 ग्राम आंवला, 50 ग्राम थोड़ा भुना हुआ जीरा और 5 ग्राम शुद्ध भुनी हुई हींग, इनको लेकर आप चूर्ण बनाइए और चूर्ण बना करके अगर खाना खाने के बाद गुनगुने जल से इस चूर्ण का सेवन करते हैं तो यह सूजन को ठीक करता है और यह कब्ज का नाश करता है, कब्ज को ठीक करता है, पेट में ज़्यादा एसिड को कम करता है जिससे पेट में अल्सर, गैस्ट्रोस्टाइट और अपच में राहत मिलती है। दोस्तों, अनंतमूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी जैसे कि आपको गठिया की समस्या है, आपको जोड़ों की समस्या है, आपको कमर में दर्द है, आपको कुलंग बाद साइटिका की समस्या हो गई है, घुटनों में दर्द है, इत्यादि अगर कोई समस्या है ना, तो उसमें भी आप आराम से अनंतमूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बीमारियों में अनंतमूल का कैसा प्रयोग करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो आपको अनंतमूल ले लेना है, 50 ग्राम अश्वगंधा की जड़ लेना है आपको, 50 ग्राम अजवाइन लेना है आपको 20 ग्राम, और मेथी लेना है 10 ग्राम, हल्दी लेना है आपको 20 ग्राम और शतावरी पीली लेना है 100 ग्राम। इन औषधियों को लेने के बाद आप इनको अच्छे से मोटा मोटा दरदरा जौकूट चूर्ण करिए और इसे एक डिब्बे में पैक करके रख लीजिएगा। आप रोज़ाना के हिसाब से एक गिलास पानी में एक चम्मच इस चूर्ण को डालिए और उबाल करके पीने योग्य बचे फिर पीते हैं तो सभी प्रकार के दर्द, सूजन को, गठिया रोग, साइटिका, कमर दर्द, पीठ का दर्द तुरंत ठीक करने में चमत्कारी लाभ प्रदान करता है।